क्या बोली भाई मेरा नाम आदिल बशीर है। मैं कश्मीर से आया हूँ, तारिक खादी आश्रम के संस्था से। मैं उस संस्था का सेल्स मैनेजर हूँ और हम बीजापुर पिछले एक साल से आ रहे हैं। यह हमारा दूसरी मरतबा आने का मौका मिला है और हम यहाँ की गवर्नमेंट, कर्नाटका गवर्नमेंट और बीजापुर के लोगों से बहुत मुतमईन हैं। उन्होंने हमें बहुत अच्छा प्यार दिया है। पिछले साल के जब हम आए तो इस साल में भी हमें उन लोगों ने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स किया। फ़ोन कर रहे हैं, आए हो, यहाँ पर खादी का लगा है। और हर साल हम यही कोशिश करेंगे कि हम बीजापुर आ सके। और सिर्फ हम कर्नाटका गवर्नमेंट और बीजापुर के जो यहाँ पे खादी स्टाफ है उनसे भी यही गुजारिश करते हैं कि जब भी यहाँ पे खादी का एग्जीबिशन लग जाए हमें इन्फॉर्म किया जाए। और सबसे ख़ास बात ये क्या है कि हम पिछले 7 महीनों से कश्मीरी लोग बहुत परेशान हैं। वहाँ पे पिछले 6 महीनों से बंद था, बिज़नेस हमारा कम था और कर्नाटका गवर्नमेंट ने हमें बहुत साथ दिया, हमें बुलाया यहाँ पर। इसलिए हमें बहुत 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 शुक्रगुजार है हम कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट और बीजापुर के खादी वालों से कि उन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया है। बीजापुर के लोगों का जैसा हमें पिछले साल भी रेस्पॉन्स मिला, बहुत अच्छा मिला। और आज भी बीजापुर लोग हमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हैं और हमें काफ़ी उम्मीदें थी पहले से ही बीजापुर के लोगों से कि बीजापुर के लोग हमें कश्मीरों के साथ अच्छा देंगे। और इंशाल्लाह हमें ये लग रहा है कि हमने कोई गलत निर्णय नहीं लिया यहाँ आने का। हम पिछले साल भी आए, पिछले साल में हमारा बिज़नेस अच्छा रहा, इस साल में भी हमारा बिज़नेस अच्छा रहा, लेकिन हो सकता था इससे भी अच्छा रहे। क्योंकि हमारे क्या है, हमारे एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है, कश्मीर में बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ गई है और ट्रांसपोर्ट में जो माल है अभी पूरा आया नहीं है। नहीं तो हमारे पास ट्रेडिशनल कश्मीरी शॉल थे, कश्मीरी साड़ीज थी, कश्मीरी ड्रेस थे, लेकिन पूरा माल इधर आ नहीं सका। और हम बीजापुर के लोगों से बहुत अच्छा मुतमईन है यहाँ पर कि हम लोगों ने बहुत अच्छा साथ दिया। ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಬೇಕು ಅವ್ರ ಭಾಯ್ ಖರಾ ದೇಖ ಕಷ್ಟ